अंकल आपको घर दिख रहा है? वहां पे मैं रहता हूँ, और उसमें जो लंबी रस्सी है ना पेड़ के ऊपर, वहां पे मेरे माँ बाप मुझे झूला झूलाते थे, और जैसे ही झूला ऊपर जाता था ना, छत से नीचे आता था, तो पेट में कुछ अजीब सा होता था। और अचानक एक दिन पुलिस आई और मेरे पापा को ले गई, उनके साथ और 5 लोग भी थे, उन्हें जीप में लेकर गई। मैं उनका पीछा किया पर वो लोगों ने मेरी बात भी नहीं सुनी और एक अड्डे में लेकर गए। वहां पे मेरे बाबा को उल्टा लटका दिया और इतना मारा कि अगर उन्हें वॉशरूम भी जाना होगा ना, फिर भी जाने नहीं दिया। और तो और उन्हें उन्हें ऐसे कुत्ते की तरह बिहेव किया उनके साथ, मतलब उन पर उनके गले पे एक बेल्ट बांध दी थी, और कुछ लोग तो उनके ऊपर भी सुसु करते थे। बहुत बहुत दुखी हुआ मुझे, और मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि तू कुछ नहीं करेगा। और अचानक और थोड़ी देर बाद तो मेरे बाबा को मेरे ही सामने जिंदा जला दिया, और उनके साथ और 2 भी लोग थे, वो लोग भी मर गए। और उस दिन मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, और मेरे दोस्तों ने मुझे एक बूंद पानी का भी नहीं पूछा। तब मुझे पता चल गया कि जब किसी की जरूरत होती है ना, तब कोई अपना नहीं होता। और फिर उसी रात मैं उस पेड़ के पास गया और बैठा था, और तभी एक कुत्ता आया, उसके मुंह में रोटी थी शायद, और जैसे ही मैंने वो रोटी देखी ना, मेरा पत्थर फेंका उसे, वो आगे मैं पीछे, हम दोनों भाग रहे थे। और जैसे उसके मुंह से वो रोटी गिरी ना सर, मैंने वो रोटी खाई। और जब मैं वो रोटी खा रहा था ना सर, तब मुझे लगा कि मेरे पेट के पीछे कुछ कुछ लिख रहा है कि मुन्ना अगर छीना है तो मरना सीख, अगर छीना है